रीवा के आकाशवाणी में प्रसारित होने वाले बघेली बोली से जुड़े कार्यक्रमों को बंद किए जाने के विरोध में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताएं सांसद जनार्दन मिश्रा से मिलने पहुंची। इस दौरान उन्हें ज्ञापन देकर बताया गया कि 1 मई से आकाशवाणी रीवा में प्रसारित होने वाली बघेली से जुड़े सभी कार्यक्रम बंद कर दिए गए हैं, जिससे पूरा विंध्य मायूस है। महिला कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष कविता पांडे के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने सांसद जनार्दन मिश्रा को याद दिलाया कि आप दोबारा चुनाव जीत गए तो आपने बघेली बोली को प्रोत्साहित करने की शपथ ली थी, जिसके चलते इस अंचल का जनमानस आपसे अपेक्षा करता है कि बघेली के संरक्षण के लिए आप प्रयास करें। कविता पांडे ने बताया कि सांसद को याद दिलाया है कि अब माटी का कर्ज अदा करने का समय आ गया है, बघेली लोक भाषा के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। हालांकि महिला कांग्रेस की नेत्रियों को सांसद जनार्दन मिश्रा ने आश्वासन दिया है कि वो दिल्ली जा रहे हैं और मंत्री से मुलाकात कर आपकी बात को प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री तक पहुंचाएंगे। रीवा के आकाशवाणी केंद्र में बघेली भाषा के सभी कार्यक्रम बंद हो गए हैं, जिसके बाद से लोगों में सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी है। बघेली रीवा की पहचान है और इसे फिर से शुरू करने के लिए लगातार जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई जा रही है। कल कुछ बघेली साहित्यकार लोग आए रहे हैं और जानकारी दी नहीं कि कुछ कार्यक्रम बंद हो रहे हैं। आज यू पंचे आई रही हैं और कल हम पत्र लिखे हैं सूचना प्रसारण मंत्री जी का और जाए कि दिल्ली हम बातों करब और प्रयास करब कि यह कार्यक्रम चालू रहें और चालू रहे चाहिए। हाँ नहीं नहीं प्रयास करेंगे वो चालू होगा उस पर। भोपाल शिफ्टिंग की जा रही है, इसका क्या कारण मानते हैं? नहीं अब उसका पूरा आप दिखवाते हैं, मंत्रालय में जाके बैठ के बात करते हैं। अभी आज कल तो मालूम हुआ है और अधिकारियों से मंत्री से बात करेंगे, उसका निष्कर्ष निकलेगा और उसमें मैं समझता हूँ मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से पूर्ववत था वही रहेगा, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। रीवा से अनुराग अग्निहोत्री की रिपोर्ट।